अब हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसके बारे में हम बहुत क्यूरियस थे कि सीजे एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, क्योंकि उनके फैसलों से लगता था कि ही सीम टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सवाल उठने लगा कि उनको नहीं लेना चाहिए, और अब फाइनली उन्होंने कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा. मोहम्मद आदिल साहब, ये उनके कह देने से क्या जुडिशरी को लेके गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी? क्या जुडिशरी की साख बेहतर हो जाएगी? क्योंकि सीजे ने कहा है कि पहले तो आप लोगों को पता लग जाता था या हमें आइडिया हो जाता था कि क्या जजमेंट आने वाली है, लेकिन माजरत के साथ पता तो अभी भी चल जाता है, आइडिया तो अब भी हो जाता है. नहीं, मेरा ख्याल है माजी की जो अदालतें थी, जो बेंच बनते थे, उसकी सिचुएशन और अब की सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है. अब आपको जजेस का माइंड सेट, वैसे आप उनकी जो रिमार्क्स और उससे अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि कौन सा जज क्या सोच रहा है, लेकिन वो क्या फैसला लिखेगा. जैसे अभी अथर मिनुल्ला ने चीफ जस्टिस के फैसले की हिमायत की, जो अभी नैब तरमीम के हवाले से आया था, तो ये अब माजी की साकिब निसार के दौर के अंदर जो बेंचेस बनते थे, बंदयाल साहब के दौर में जो बेंचेस बनते थे, जो इस वक्त बेंचेस बनते हैं उसमें बहुत जमीन, अब तो वैसे भी कमेटी बनाती है, बहुत फर्क है. दूसरी, जहां तक चीफ जस्टिस ने बात की है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, हुकूमत अपने मैजिक नंबर के ऑलमोस्ट पास पहुँच गई है. 212 उनके पास हैं, 8 JUI के मिल जाएंगे तो 220 हो जाएंगे. उनको सिर्फ 4 अरकान की हमायत चाहिए, उसके लिए भी उनकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है. इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के हवाले से, यानी कि ओवरऑल सबकी एक्सटेंशन कर दें और उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो. दूसरी, जो कानून साजी की जा सकती है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो बनाई थी, उसकी उनकी सरबराही में एक कमेटी ने बनाई थी, जो 13 सितंबर को जिसमें जो है वो रूल्स डिफाइन होने, जिसकी बुनियाद पर हमने देखा था कि लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका तकरर हुआ था कि एक पैनल जो है वो जाए और उसमें से सिलेक्शन हो चीफ जस्टिस की. तो अगर तो जो है जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो नहीं लेते, एक्सटेंशन नहीं लेते, और हुकूमत समझते हैं कि वो नहीं है, तो हुकूमत मेरा ख्याल है कि दूसरी ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकती है कि वो ऐसी आइन साजी करे कि जो जजिस की चीफ जस्टिस की तकर्री थी सीनियरिटी के बुनियाद पर, अब वो पैनल की बुनियाद पर हो सकती है कि वो जो 3 सीनियर 3 जजों के नाम जाएं और उसमें से कुछ सिलेक्शन हो एक चीफ जस्टिस की. तो इसी तरह का रूल हमने पिंडी आर्मी चीफ की तकर्री में देखा. तो अब अदलिया के मामलात में हुकूमत ने करना तो है, वो दोनों सूरतों में जो है वो आइन साजी करने जा रही है और जो भी रिफॉर्म्स हैं उसने करनी है. जी जी, मोहम्मद आदिल साहब, इफ्तिखार साहब को मैं शामिल करना चाह रही हूँ. इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि अगर सीजे एक्सटेंशन नहीं लेते और प्राइवेट बिल जो पहले भी दिया गया था वो भी वापस ले लिया गया, अब जो भी होगा काबीना के थ्रू होगा, उनके ये कह देने से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं लेना नहीं चाहता या मुझे नहीं चाहिए? Is it going to influence the dynamics in coming days? देखिए, मेरी जो इत्तलात हैं, अदल साहब ने ये बात कह दी कि मैजिक नंबर जो है वो पूरा होगा. जो मेरी इत्तलात हैं, गवर्नमेंट भी कासिर है ये मूव करने से, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मुहर्रिकात हैं और कुछ जो सिचुएशन का जो मुआजना किया गया उसमें ऐसा लगता नहीं है कि ये एक ऐसा स्टेप होगा जो शायद आसानी से सेटल होगा. तो गवर्नमेंट नहीं भी चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, एक पॉइंट उसमें ये भी है. लेकिन जहां तक इनकी अपनी मर्जी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जो बाएख्तियार इदारे हैं इस मुल्क के, और उसमें जुडिशरी का ऑब्वियसली एक शुमार है, और जुडिशरी जो है वो कंसिस्टेंटली अंडर स्ट्रेस जो है वो आई गई है, जो उनको मशवरा भी दिया गया है और जो उनकी अपनी सोच भी थी कि आप किसी ऐसे स्टेप की तरफ ना जाए जो आपकी हिस्ट्री को और आपकी जो लेगेसी है उसको कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि आइंदा आते वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं कि उसको नॉन पॉलिटिकल रहना जो है वो बहुत जरूरी है. और ये सिर्फ काजी फैज ईसा की सोच नहीं है, बल्कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उनकी ज्वाइंट सिटिंग में भी ये फैसला जो है वो किया गया बामी मशावरत के तहत कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अब गवर्नमेंट ये करती है नहीं करती ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो मेरी इत्तलात है ये नहीं होने वाला. जुनैरा, मैं चाहती हूँ कि आप इस हवाले से कमेंट करें कि एक्सटेंशन ना लेने की राय का इजहार करके सही किया या गलत,
ये भी बताइएगा, और ये भी कि उन्होंने ये कहा है कि 30-40 साल के एक्सपीरियंस के बाद हर जज का एक रुझान बन जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी इंक्लिनेशन है तो जस्टिफाइड है, क्योंकि रुझान एक और चीज़ है और इतना एक्सपीरियंस जज बन जाना कि बेहतरीन फैसले करना, मुझे लगता है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंफ्यूज कर दिया हमें सीजे साहब ने स्टेटमेंट देखी। वेल विद ड्यू रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ अ चीफ जस्टिस, दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे यू आर अ जज फॉर द लाइफ टाइम और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जस्टिस करेंगे। इट मीन्स इट्स योर जॉब। इसमें इंक्लिनेशन हो या ना हो, आप प्योरली लॉ को फॉलो करेंगे और जो भी प्रोसिक्यूशन होगी, एविडेंस होगी, उसकी बुनियाद पे फैसले करेंगे, चाहे आपका कोई भी रुझान हो। तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, शायद उनसे इस पे कभी हम इंटरव्यू कर सकें, लेट्स पुट इट दिस वे। बट मुझे ये लगता है कि उनका ये कह देना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक कॉन्टेक्स्ट है एक्सटेंशंस के हवाले से। हमने एक टाइम में इस्लामाबाद में बैनर्स देखे थे कि जाने की बातें जाने दो, और फिर भी मुंह से यही कहा जाता था कि इंटरेस्टेड अच्छा, नहीं। अच्छा, वो किसके थे? राहिल शरीफ। अच्छा, ओके। तो अच्छा, ये भी था। हाँ, बिल्कुल बैनर्स लगे थे और वो कहते यही थे पब्लिकली कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके बाद भी हमने कंटिन्यूटी देखी। खैर, वो इदारा डिफरेंट था। शायद इस इदारे में ये सेंस प्रिवेल कर रही हो कि आपने लोगों में रहना भी है, बिकॉज ये डायरेक्टली जस्टिस का इदारा है, इसमें लोगों के आपके स्टेक्स बहुत हाई हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के स्टेक्स भी बहुत हाई हैं। शायद इनएविटेबल होगा इस स्टेज पे इसको फ्री फॉल पे छोड़ देना कि जैसा होता है होने दें। सो इन माई ओपिनियन उनका ये कह देना कि वो नहीं चाहते एक्सटेंशन, ये काफ़ी नहीं है।